पाकिस्तान और पाकिस्तान को पसंद करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल करप्शन यानी भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान और भी ज्यादा बदनाम हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। दुनिया की जानी मानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI को जारी किया, जिसमें पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है भ्रष्टाचार के मामले में, और भारत में भ्रष्टाचार कम बताया गया है। CPI इंडेक्स के मुताबिक भारत को एक रैंकिंग का फायदा हुआ है और इस तरह वह 180 देशों में 85वें स्थान पर पहुंचा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब रही है, उसका प्रदर्शन सुधरने के बजाय और अधिक खराब हो गया है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 124 से गिरकर अब 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इस इंडेक्स में दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया है। इन मुल्कों को इनके यहाँ पर जारी भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंक दिया गया है। आतंकवादियों का पालन पोषण और दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आतंकवादियों के लिए खड़े होने वाले पाकिस्तान के PM के लिए ये खबर सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ये वही इमरान खान थे जिन्होंने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएगी। लेकिन शायद पाकिस्तान अब आतंकी देश बन रहा है इमरान खान के राज में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि पाकिस्तान 2021 के वैश्विक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 16 स्थान नीचे खिसक गया है और 180 देशों में 140वें स्थान पर है। वैश्विक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए गठित बर्लिन स्थित गैर लाभकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में भ्रष्टाचार का स्तर स्थिर है। 86% देशों ने पिछले 10 सालों में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं की है। अपने 2021 एक एडिशन में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 180 देशों और इलाकों को सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के उनके कथित स्तरों के आधार पर 0 यानी अत्यधिक भ्रष्ट से 100 यानी बहुत साफ के पैमाने पर रैंक करता है। चलिए अब जानते हैं वो कौन सा देश है जो इस सूची में टॉप पर है। दरअसल इस साल की सूची में डेनमार्क का दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इसीलिए वो एक नंबर पर है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, चौथे स्थान पर नॉर्वे और पांचवे पर सिंगापुर है। दूसरी ओर सबसे खराब हाल दक्षिणी सूडान का रहा है और उसे 180 नंबर पर रखा गया है। उससे पहले सीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला और यमन का नंबर आता है। खैर, रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वहां के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहां मानव अधिकार और लोकतंत्र पर हमले अधिक हो रहे हैं और पाकिस्तान में आए दिन ये हमले देखने को मिले हैं जो पाकिस्तान की सच्चाई से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।